हेलो फ्रेंड्स, तो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ गया होगा, सबने देख लिया होगा और खुशी की अलग ही बात है, ठीक है। क्योंकि जितना उम्मीद कर रहे थे गवर्नमेंट में तो उतना ही गया है और प्राइवेट में भी उतना ही है, उससे कम है। और उससे ज़्यादा उम्मीद तो इस बात की है कि चलो मॉपअप राउंड आते आते जो अपन डेटा बता रहे हैं 52 से 55 के समथिंग हमने ओबीसी और जनरल का कट ऑफ बता रखा है, और इस तरीके से एससी में तो सीधी सी बात है जो हमने लिमिट बता रखी है उससे बहुत सारे नीचे आ चुका है, 40 के आसपास हमने बताया था, 340 और 331 हो गया। तो आपने देख लिया होगा कि हम लोगों का डेटा जो है वो लगभग लगभग अभी उसी ट्रेंड पर चल रहा है जो हम बता रहे हैं कि सेकंड राउंड में क्या जाएगा, फर्स्ट राउंड में क्या जाएगा, उस उतना ही जा रहा है या उससे कम जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब इसके बाद मॉपअप का क्या कट ऑफ रहेगा ये भी हम आप लोगों को एक दो दिन में बता देंगे, ठीक है। उसके पहले अपन आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड राउंड का गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का जो है डिफरेंट कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। आप सारे चैनल फॉलो करिए जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो कट ऑफ फॉर सेकंड राउंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस। तो पहले अपन बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर सबसे पहले बात होगी यूआर की, जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में जो सबसे लास्ट में अलर्ट हुआ कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल है, एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर की बात करें 551 और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 45,788, ठीक है। तो जो इस बार कट ऑफ रहा है सेकंड राउंड का जनरल कैटेगरी का 551 नंबर रहा है और लास्ट कॉलेज जो फिलअप हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। इसी तरीके से अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सबसे लास्ट में फिलअप हुआ है सेकंड राउंड की बात करें तो श्रीमंत राजमाता विजय राजा सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी 544, ठीक है। तो 544 के आसपास, तो लगभग ये भी यहाँ पर भी चार नंबर कट ऑफ गिरा है। और उसी तरीके से यदि अपन बात करें जनरल कैटेगरी के तो उसका भी लगभग तीन नंबर के आसपास कट ऑफ गिरा है। इसी तरीके से अपन बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का कट ऑफ जो है 545 ओबीसी कैटेगरी का, क्लोजिंग स्कोर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पूरी हमने क्लिप ही निकाल करके दे दी है आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले से, ताकि जिससे कि आपको ऑथेंटिसिटी पर भी कोई डाउट नहीं रहे। और सबसे लास्ट में जो फिलअप हुआ है कॉलेज सेकंड राउंड के लिए ओबीसी का वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगभग सेकंड राउंड में पांच नंबर के आसपास कट ऑफ जो है फर्स्ट राउंड के कंपेरिजन में गिरा है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे एससी की, एससी में सबसे लास्ट में जो कॉलेज फिलअप हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल है, ठीक है। क्लोजिंग स्कोर की बात करें 429, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर जो है ये छह नंबर या सात नंबर के आसपास जो 36 था जितना मुझे याद है, तो 36 से 29, तो लगभग छह से सात नंबर के आसपास जो कट ऑफ यहाँ पर एससी का सेकंड राउंड में गिरा है, जो कि उम्मीद थी कि इतना गिर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, ठीक है, ये सबसे लास्ट में फिलअप हुआ है। क्लोजिंग स्कोर की बात करें 328, तो यहाँ पर भी जो है लगभग जो है वही चार से पांच नंबर के आसपास कट ऑफ गिरा है। तो आपने देखा होगा जनरल कैटेगरी यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एंड एसटी, लगभग सभी कैटेगरी का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ वही रहा है जो हमने एक तरीके से प्रेडिक्ट किया था। चाहे तो आप हमारे जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीडियो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वो चाहे तो देख लीजिए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एमपी में सेकंड राउंड के लिए क्या कट ऑफ रहा है। सबसे बात करें यूआर कैटेगरी की, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो वो रहेगा 465, जो कि लगभग 20 नंबर के आसपास कट ऑफ गिरा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट राउंड, ठीक है। इसमें डेफिनेटली नो डाउट 300 सीटें जो इंक्लूड हुई है उसके बाद ही आया है, नहीं होती तो ये लगभग जो है 75 के समथिंग रहता है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया है ना, तो हमने बता दिया था कि लगभग 65 से 70 के बीच में सेकंड राउंड में, और लगभग जो है 455 के समथिंग जो है मॉपअप तक आ जाना चाहिए, तो वो लगभग मुझे लगता है वही ट्रेंड रहेगा। सबसे लास्ट में जो कॉलेज फिलअप हुआ है सुखसागर मेडिकल कॉलेज, तो ये डेफिनेटली होना ही था, सुखसागर मेडिकल कॉलेज ही सबसे लास्ट में रहेगा इस बार। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 460, तो लगभग यूआर और ओबीसी में तीन से पांच नंबर के आसपास का डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पर दिख रहा है पांच नंबर के आसपास का, ठीक है। तो 460 नंबर के आसपास, तो यहाँ पर भी जो ओबीसी में कट ऑफ गिरा है फर्स्ट और सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग 23 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जो है वो यहाँ पर गिरा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 331, ठीक है, 331, तो हमने तो यहाँ पर 340 के आसपास 38-40 के आसपास बता रहे थे, 40-42, तो उससे कम ही गया है। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि जितना हम बताएं उतना या उससे कम जाना चाहिए, ठीक है। हम
ट्राई यही करते हैं कि हम जो बता रहे हैं उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही जाना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी गया, तो इसमें भी स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, एस टी की कैटेगरी की बात करें तो सुख सागर मेडिकल कॉलेज यहाँ बहुत ज्यादा ही नीचे गिरा हुआ है, 108 तक गया हुआ है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे थे 150 के आसपास जाना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो है स्टूडेंट ने का कट ऑफ और भी नीचे गया है। तो सीधी बात अच्छी बात है, नीचे गया तो अच्छी बात है ना, मिला है सब लोगों को कॉलेज। तो एस टी कैटेगरी में जो है वो 108 के आसपास। तो आपने देख लिया होगा कि सभी कैटेगरी का गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई डाउट हो कट ऑफ से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज वगैरह कर सकते हो। ओके, थैंक यू।